काम अभी बाकी है नूरे तौहीद का। शख्सियत में कहीं न कहीं एक लाकर एक तस्नीय ताकत मौजूद है। The woman who is responsible for the existence of this whole world. क्योंकि मैं पिछले 15 दिनों से बहुत बीमार हूं, मुश्किली से मैं आज के प्रोग्राम में आया। ये तो मैं फैसला कर चुका था कि इस साल जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमने मनाना है, हम इस बार फलंग एरिया में मनाएंगे। क्यों आज जो वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आज यहाँ ब्लॉक विलगाम में लाइक 15 RR इन कोलैबोरेशन विद लाइट हाउस स्कूल आज यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। सो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो फीमेल स्टूडेंट्स या हर एक फील्ड में आगे आई हैं, चाहे वो कराटे हो या सिंगिंग कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, एजुकेशन हो, या हम हेल्थ, हर एक फील्ड में आगे आए हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स रखे हैं, सो मैं अब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये अपनी गर्ल चाइल्ड को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे, एम्पावर करे विद बेटर एजुकेशन, सो दैट इट कैन, बिकॉज वी ऑल नो बेटर if a woman is educated, a society is educated. कोई उस तरह का निफाज नहीं होता है, चाहे आप पॉलिटिकली देखो, एजुकेशनली देखो, सोशली देखो, इकोनॉमिकली देखो, या किसी भी एंगल से आप देख लो, इसका जमीन पे क्रियान्वयन नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं जो इस वक्त इक्तदार में लोग बैठे हैं उन तक ये बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि जितने भी वुमेन के साथ असॉल्ट होता रहता है या इनके साथ जुल्म जबर होता है मुख्तलिफ जगहों पर, वर्क प्लेसेस पे या डोमेस्टिक वायलेंस, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए। लेकिन वुमेन का भी रोल बनता है कि ये भी आगे आए, अगर ये अपनी बात आगे पहुँचाएंगे तो। आजकल इनके लिए लॉज बने हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज बने हैं। आजकल मॉरल डिग्रेडेशन की बात हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अखलाकियात की कमी है वो हमारे समाज में है। मैं यहाँ पर जो हमारे स्कूल इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर हमारे बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बेसिक तो वहीं से मॉरल एजुकेशन इनको सिखाया जाए। अगर वहाँ पर थोड़ा थ्रस्ट, थोड़ा जोर मॉरल एजुकेशन पे, अखलाकियात पर दिया जाए, तो जो हमारी कदरें और अकदार वो बदल सकते हैं और हमारी वुमेन्स पर, हमारी गर्ल्स पर, हमारी बेटियों पर, हमारी माओ पर, हमारी बहनों पर वो जुल्म नहीं हो जाएगा। मालूम है कि 8 मार्च हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। उस हवाले से आज हम यहाँ पर विलगाम में 15 RR और एक NGO ने कोलेबरेट करके लाइट हाउस के साथ, लाइट हाउस पब्लिक स्कूल के साथ इंटरनेशनल वुमेन्स डे यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। इसमें हर फोक से, हर एज ग्रुप से रिलेटेड वुमेन्स आई थी, सब उन्हें पार्टिसिपेट किया, जानकारी मिली वुमेन्स को कि हमें कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, किन किन फील्ड्स में हम आगे जा रही है वहाँ और आगे जाना है, किन फील्ड्स में हम अभी थोड़ा सा पीछे है वहाँ पर हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए।